हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज गुरु जी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, HSSC ग्रुप डी वेटिंग नॉर्मल खेल कोटा जो भी कैटेगरी है उन सभी की वेटिंग से संबंधित एक बड़ी अपडेट रहेगी। TGT भर्ती जो होनी है, कितने पदों की जानकारी जो है वो आयोग के पास आ गई है। चेयरमैन साहब है, इन दोनों भर्तियों के बारे में बड़ा बयान दिया है, तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये आप देखते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के खेल कोटों क्रिकेट पदों पर होगी जारी सूची। ठीक है, यानी खेल कोटे पर होगी। पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ भाई। ग्रुप डी के अन्य कैटेगरी क्रिकेट पदों के लिए कोई सूची जारी नहीं होगी, यानी ओनली जो है खेल कोटा उसकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। बाकी कोई भी अगर कैटेगरी है, चाहे नॉर्मल हो, कुछ भी एक सर्विस मैन, जो भी सारी कैटेगरी होती है, तो उन पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। कारण आप सभी को पता है भाई, अभी आने वाले समय में CET होना है, ग्रुप डी के लिए अलग होगा, ग्रुप सी के लिए अलग होगा, तो जो भर्तियाँ हैं वो भाई CET के अंदर है, वो की जाएगी ग्रुप डी की। तो ये इसमें पूरी जो डिटेल दे रखी है भाई, और लगभग जो आयोग के पास 19,000 ऐसे पद हैं ग्रुप डी के, जिनकी जानकारी HSSC के पास आ चुकी है, और कुछ भाई और भी पद आ सकते हैं। अब बात करते हैं भाई TGT के लिए कितने पद हैं। आयोग के पास TGT के सिर्फ 1542 पद हैं। कर्मचारी चयन आयोग के पास TGT इंग्लिश के 1035 में से मेवात कैडर के पदों का परिणाम जारी हो चुका है। अभी आपका जो सेंस हरियाणा का परिणाम है वो जारी होना है। इसमें केवल TGT के 1542 पद हैं जिस पर भर्ती होनी है। स्कूल विभाग की तरफ से अभी PGT और TGT PRT के किसी भी पद की कोई भी आग्रह पत्र नहीं पहुंचा है। यानी ये देख सकते हैं अभी 2-3 दिन पहले भी 7,000 के लगभग, 8,000 के लगभग इसमें भर्ती बताई थी भाई, हमारे पास आ गई है और हम भर्ती करेंगे डायरेक्ट बिना CET के। और आज ये कह रहे हैं भाई हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। ये भाई आप 4 दिन पहले का देख लेना। और स्कूल शिक्षा विभाग ने आयोग के पास TGPT का 7780 पद का आग्रह पत्र भेज दिया था। और आयोग अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि मेवात कैडर में TGT ये भाई दे रखा है, अलग अलग सारी जो सब्जेक्टों के टीचर है वो इसमें दे रखे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो भाई ग्रुप डी को लेकर, और आपका TGT जो शिक्षक की भर्ती होनी है उसको लेकर, और जो आपकी खेल कोटे से आपके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वाला जो मामला था वो काफ़ी बच्चों के नहीं बन पाए थे, इसके लिए इनकी जो चयन सूची है यानी वैधता है वो आपकी 31 अगस्त यानी अभी 31 अगस्त 2022 तक बढ़ा रखी है। इसके लिए भाई आयोग क्या है को 31 अगस्त तक इनको जो सूची है वो जारी करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अपडेट कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।